के सो लेट्स कंटिन्यू नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन अभी हम लोग करेंगे अ सरप्लस प्रोसेस फॉर एन इंश्योर इज डोनोटेड एज यूटी विथ इनिशियल सरप्लस यू डिफाइन द सरप्लस प्रोसेस फॉर दिस इंश्योर इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल सरप्लस राइट अयर पेट इंश्योरेंस पॉलिसी दॉलिसी कवर्स हंड्रेड पेट्स एंड वील पे आउट टेन ऑन ईचेिंग पॉलिसी टर्म तो इसका जो पहला वाला पार्ट है दैट इज वेरी सिंपल उसमें तो बस खाली हम लोग को वो सरप्लस प्रोसेस को डिफाइन करने बोला है सो दैट इज यू टी इज इक्वल टू यू प्लस सी टी माइनस एस टी ठीक है सो so, क्या बोल रहे हैं वन ईयर पेट इंश्योरेंस पॉलिसी द पॉलिसी कवर्स हंड्रेड पेट्स एंड विल पे आउट डॉलर टेन ऑन ईच डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड पेट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म द पेट मोर्टेलिटी रेट इज एज्यूम टू बी टू पॉइंट फाइव परसेंट पर मंथ विथ क्लेम्स बींग इंडिपेंडेंट एंड अज्यूम टू फॉलो पॉइजन प्रोसेस पेट मोर्टेलिटी रेट सो मोर्टैलिटी अपने को दे दिया है 2.5 परसेंट पर मंथ ठीक है प्रीमियम सर पेट कंटिन्यूसली है 50 कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम टू फर्स्ट क्लेम इज लॉन्गर देन वन मंथ टाइम टू फर्स्ट क्लेम इज लॉन्गर देन वन मंथ ठीक है सो so, अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी टी वन ग्रेटर देन इसका मतलब क्या है एन टी विल बी इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन फर्स्ट मंथ बोला है ना तो इसका मतलब लॉन्गर देन वन मंथ का मतलब क्या होता है पहला महीना में कोई भी क्लेम नहीं आएगा ठीक है पहला महीना में कोई भी क्लेम नहीं आएगा सो दिस इज ई टू पावर माइनस सो दिस इज ई टू पावर माइनस लैमडा टी सो प्रोबेबिलिटी टी वन ग्रेटर देन वन बिकॉज वी आर वर्किंग इन मंथ सो दिस इज प्रोबेबिलिटी एन वन इज इक्वल टू जीरो दिस इज ई e to पावर माइनस minus 2.5 ठीक है क्योंकि आपने को क्या बोला था पेट मोटैलिटी रेट इज रज्यूम टू बी 2.5 परसेंट पर मंथ ठीक है सो बेसिकली यहां पर मेरा जो लैमडा है दैट इज 2.5 ठीक है लैमडा जो है वो क्या है मेरा 2.5 तो इससे जो अपना आएगा दैट विल बी एट पॉइंट टू परसेंट पहले यहां तक चेक कर लीजिए ठीक है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटी एट द एंड ऑफ मंथ वन एट द एंड ऑफ द ईयर ठीक है सो so, अगर हम लोग देखेंगे तो अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बोलता है प्रीमियम सा ट्वेंटी नाइन और हंड्रेड पेड्स है एंड विल पे आउट टेन डॉलर ऑन नीच डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड पेड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस अगर हम लोग बात करेंगे एंड वॉट इज दिस एस टी इज द एग्रीगेट क्लेम्स प्रोसेस इन द इंटरवल जीरो टू टी so expectation of st is 10 into expectation of nt ठीक है so that is equal to 10 into 10 into 2.5 into t ठीक है ना क्योंकि अपने को क्या बोला है The pet mortality rate is assumed to be 2.5% per month. So basically, lambda जो है अपना, lambda जो है अपना, so this is 2.5. ठीक है ना? तुम समझा? 100 pets है, so 100 into 2.5% is 2.5. ठीक है सो so, ये एक हो गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ यू टी सो दिस इज यू प्लस सी टी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस टी ठीक है फिर हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ यू वन दिस इज यू प्लस सी सो दिस इज इनिशियल सरप्लस हम लोग का फिफ्टी है उसमें ट्वेंटी नाइन एड करेंगे यहां पर अपना आ रहा था ट्वेंटी फाइव टी ठीक है फिर अपने को बोल रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये आपने निकाले एक्सपेक्टेशन ऑफ यू वन सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ यू ट्वेल्व ठीक है उसके बाद में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द इनिशियल सरप्लस एंड द इंश्योरर्स प्रीमियम इनकम विल बी इनसफिशियंट टू कवर द टोटल क्लेम्स इन द फर्स्ट ठीक है तो अपने को क्या करना है प्रोबेबिलिटी U12 ट्वेल्व विल बी यू ट्वेल्व विल बी लेस देन जीरो ये अपने को निकालना है सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी U प्लस ट्वेल्व इंटू सी माइनस एस ट्वेल्व

दिस इज इक्वल टू प्रोबैबिलिटी थ्री नाइंटी एट लेस देन एस ट्वेल्व सो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी थर्टी नाइन पॉइंट एट लेस देन एंड ट्वेल्व क्योंकि हंड्रेड था ना नहीं सॉरी अपने स्टार्टिंग में जो किए थे टेन था ये रा ये रहा, टेन इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एंटी तो टेन से डिवाइड कर देंगे ठीक है सो so इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी एन ट्वेल्व विल बी लेस देन 39.8 ठीक है नाउ एन ट्वेल्व लेस देन 39.8 आप लोग निकाल लो ठीक है एन ट्वेल्व का डिस्ट्रीब्यूशन बना लो एन ट्वेल्व का डिस्ट्रीब्यूशन बना लो एन टी फॉलोज पॉइजन ठीक है ना तो इसको आप लोग निकाल लो फिर अपने को बोल रहा है इंश्योर इंक्रीजेस दी एस्टिमेट ऑफ पेट मोर्टैलिटी टू थ्री पॉइंट टू फाइव परसेंट तो इंक्रीजिंग दी मोर्टैलिटी रेट विल इंक्रीज पॉइजन पैरामीटर लैमडा इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है जो मेरा लैमडा है वो बढ़ जाएगा ठीक है दिस इंक्रीज इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्लेम्स एनहेंस दी प्रोबेबिलिटी दैट द इंश्योरर्स इनकम विल बी इनसफिशिएंट टू कवर द क्लेम्स ओवर ईयर विल इंक्रीज इसका मतलब क्या है क्लेम्स जो है क्लेम्स अगर बढ़ जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन भी बढ़ेगा दिस इंक्रीज इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन ठीक है अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन इंक्रीजिंग द मोर्टेलिटी रेट विल इंक्रीज द अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ रूइन बिकॉज ऑफ पॉलिसी हैज फाइनाइट लेंथ ऑब्वियस बात है फाइनाइट लेंथ है एंड यू इज वॉट यू ट्वेल्व ओनली क्योंकि एक साल का ही इंश्योरेंस है ना एक साल का ही इंश्योरेंस है तो ये भी एक बार देख लेना यहां पर एक साल का इंश्योरेंस का बात हो रहा है सो so पॉइज़न में क्या होता सो एंटी फॉलोज़ पॉइन लैमडा टी एंड ट्वेल्व फॉलोज पॉइजन टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व ठीक है और इसको हम लोग को सॉल्व कर लेना है ये टेबल्स बुक से सॉल्व हो जाएगा ठीक है ज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये ला सबको समझ में आया पॉलिसी का एक फाइनाइट लेंथ है पॉलिसी इज हैविंग अ फाइनाइट लेंथ सो अल्टीमेट रोइंग का भी प्रोबेबिलिटी इसमें बढ़ेगा ठीक है ना सो so, ये वाला पेपर हमने पूरा कवर कर लिया है दिस वॉज सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री द लेटेस्ट पेपर